ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज जो है पांचवा दिन है, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा का पूरा शिव पुराण यहाँ पर सुना रहा हूँ। शिव पुराण को सुनने से ही आपको देव यज्ञ जितना सौभाग्य प्राप्त होता है, ये कल ही हमने अपने इस 14वें पाठ के अंदर पढ़ा था। तो दोस्तों, मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, बहुत ही ध्यान से आप इस शिव पुराण को पूरा का पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो अध्ययन कर रहे हैं हम, उसमें साथ में बने रहें, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फल प्राप्त होगा। शिव पुराण को सुनने मात्र से आपको शिवलोक के अंदर जगह प्राप्त होगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके सारे पाप केवल शिव पुराण सुनने से ही धुल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 15वां अध्याय, देश काल पात्र और दान का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी हमसे देश काल और दान का वर्णन करें। देश का वर्णन, तो अब सूत जी यहां पर वर्णन करेंगे देश का वर्णन। अपने घर में किया देव यज्ञ शुद्ध ग्रह का फल को देने वाला है। अगर आप अपने घर में देव यज्ञ करते हैं तो शुद्ध ग्रह का फल देने वाला है। गौशाला का स्थान घर में किए गए देव यज्ञ से 10 गुना, जबकि जलाशय का तट गौशाला से 10 गुना है। यानी आपको जो यज्ञ करना है, अगर आप घर में करेंगे तो भी आपको फल प्राप्त होगा, गौशाला में यह देव यज्ञ आपको 10 गुना फल देगा और जलाशय का तट गौशाला से भी 10 गुना आपको फल देगा। एवं जहां पर तुलसी बैल एवं पीपल वृक्ष का मूल हो, वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना महत्व देने वाला है। देवालय उससे भी अधिक महत्व रखता है, देवालय से 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे भी श्रेष्ठ है नदी का किनारा, तथा उसका 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि आपको कहाँ पे देव यज्ञ करना है। देश का वर्णन सूत जी के द्वारा किया जा रहा है। इससे भी अधिक महत्व रखने वाला है सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपनी, सिंधु, सरयू और रेवा नदियां आती है। इसमें भी 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट और उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत चोटी पर पूजा करने से होता है। और सबसे अधिक महत्व का जो स्थान है, जहां मन रम जाए, ये सबसे ज्यादा महत्व का स्थान है। जहां आपका मन रम जाए वहीं पे आपको जो है आपका देश इंपॉर्टेंट हो जाता है, देश महत्वपूर्ण है जहां आपका मन रम जाए। तो यहाँ पे सूत जी ने देश का वर्णन किया। अब सूत जी काल का वर्णन करेंगे। सतयुग में यज्ञ दान आदि से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु आपका हृदय शुद्ध है, शुद्ध हृदय से किया गया पूजन फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना अधिक फल तुला और मेष की संक्रांति में, तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल आपको मिलता है। सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। महापुरुषों के साथ मैं वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। अब यहां पर पात्र का वर्णन किया गया है सूत जी के द्वारा। तपोनिष्ठ योगी और या ज्ञाननिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं। जो तपस्या करते हैं, जो ज्ञान के योगी हैं, वो पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो, वह भी पूजा का पात्र है। ठीक है, जो ब्राह्मण 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर चुका है
उसको भी आप पूजा कर सकते हैं। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है। इसलिए दान, जाप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। जिसकी जो भी इच्छा है उसको वो उस समय उसकी मांग पूरी कर दी जाए तो उसे दाता का फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है। यानी याचना का मतलब अगर आपसे मांग लिया जाए उसके बाद अगर आप कुछ दे रहे हैं तो आपको उस दान का आधा फल मिलेगा। सेवक को दिया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीन ब्राह्मण को, दीन यानी गरीब ब्राह्मण को दिए गए धन का जो दान है दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग देने वाला है। वेद वेक्ता को दान देने पर वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवानिवृत्ति सेवावृत्ति से प्राप्त किया गया धन उत्तम द्रव्य है। अब देखो धन को भी उत्तम द्रव्य, गुरु दक्षिणा में जो प्राप्त धन होता है उसको शुद्ध द्रव्य धन माना गया है। इसमें कहा गया है कि क्षत्रिय जो होते हैं वो शौर्य से कमाते हैं, वैश्यों व्यापार से कमाते हैं और शूद्र जो है सेवा जो करते हैं सेवावृत्ति से जो प्राप्त किया गया धन है वो उत्तम द्रव्य है। अब दान का वर्णन सूत जी करते हैं। गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या नामक 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो यहां पर इन 12 वस्तुओं का सूत जी के द्वारा वर्णन किया गया है कि आपको दान क्या क्या करना चाहिए। गोदान से सभी पापों का निवारण होता है और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है, यानी कि परलोक में आपको आश्रय मिलेगा। तिल का दान बल देने वाला तथा मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान वीर्यवर्धक और घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है। अगर आप वस्त्र दान करते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होगी। धान्य का दान करने से अन्न और धन की समृद्धि होती है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण के दान से सरस भोजन का प्राप्ति होती है। कोहड़ा या कुमांड का दान को पुष्टिदायक माना गया है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। सर्वश्रेष्ठ दान इसमें कन्या दान है। कन्या का दान अगर आप करते हैं तो आपको आजीवन भोग देने वाला होता है। जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। वेद और शास्त्रों को गुरु मुख से ग्रहण करके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसे ही उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से आस्तिकता होती है वह निम्न श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है वह वाणी और कर्म द्वारा ही पूजन करें। जिसके पास धन का अभाव है जरूरी नहीं है कि उसको धन का ही दान करना पड़ेगा, वो वाणी और कर्म द्वारा ही पूजन करें। तीर्थयात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है वह सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला है। इससे
इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म तथा सदा सुलभ होने वाला भोग आपको प्राप्त होगा। आपको दान देने से आपके जो इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और आपको भोग देने वाला होगा। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने एवं बुद्धि से यज्ञ व दान करने से मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाती है। यानी कि अगर आप सब कुछ ईश्वर को समर्पित करेंगे तभी आपको मोक्ष की जो है प्राप्ति होगी। अब यहां पर हम 16वां अध्याय जो है उसका अध्ययन करेंगे। देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। 16वां अध्याय यहां पर हम जो है संपूर्ण शिव पुराण का यहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं। हम 16वां अध्याय इसका अध्ययन करेंगे जिसमें देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन बताया गया है। ऋषियों ने पूछा, साधु शिरोमणि सुत जी, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताइए जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। तो सुत जी ने क्या बताया, ऋषियों ने पूछा सुत जी से कि देव पूजन की विधि बताओ। तो सुत जी ने कहा कि जो मिट्टी से बनी प्रतिमा होती है उसका अगर आप पूजन करते हैं कोई भी स्त्री और पुरुष, उसे मनोरथ जो है सफल हो जाता है। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से उसे शुद्ध करें, उसके बाद दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनाएं। पद्मासन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित जो है पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति एवं शिवलिंग का सदैव पूजन करें। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करें। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर एक शेर नैवेद्य से पूजन करें। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 शेर नैवेद्य अर्पित करें तथा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन 5 शेर नैवेद्य से करें। इससे आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो सूत जी के द्वारा इस अध्याय में बताया जा रहा है कि देव प्रतिमा का किस तरीके से आपको पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सहस्त्रवार पूजन करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी से बनाए हुए पत्र का नाम शिव है। इससे अभिषेक से आत्म शुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि 6 पूजन के अंगों को अर्पित करें। नमस्कार और जाप संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वालों को पूजा के अंत में सदा जाप और नमस्कार करना चाहिए। यानी कि अगर आपके अंदर मोक्ष की इच्छा है तो आपको पूजा के अंत में आपको क्या करना चाहिए, जाप करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त करता है तथा उनके बीच के लोकों में उचित फल को भोगता है। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश क्या है, पूजनीय है। शिवजी के द्वारा निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उसके सभी पाप एवं शोक दूर हो जाते हैं और वह अविष्ट फलों को पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि मध्यायन के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि क्रम में बहुत उत्तम होता है तथा बाद का जो भाग है दिन के समय
देवकर्म के लिए अच्छा होता है, देवकर्म के लिए अच्छा भाग बताया गया है। वेदों में पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि जिस क्रम से संपन्न होती है उसका नाम है पूजा। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान अभिष्ट वस्तुएं हैं लोक और वेद में। पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य कर्म भविष्य में फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजन करने से शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है तथा पापों का क्षय होता है। अगर आप लगातार पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपके जो पाप है, आपने जितने भी पाप किए हैं, आपके पापों में कमी होती है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए तथा 16 उपचारों से पूजन एवं भजन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। यानी कि देखो, अगर आप सही तिथि और नक्षत्र में 16 उपचारों से पूजन करते हैं तो आपको फल की जो प्राप्ति है वो जरूर होगी। शिव जी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। महाआद्र नक्षत्र अर्थात माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों तथा वारों में शिव जी की पूजा व भोजन भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों के लिए यह उचित है कि इस महीने में सभी देवताओं का भजन करें। तो सबसे जो आपका महीना है, सबसे अच्छा फलदायक महीना कौन सा है? कार्तिक मास है। कार्तिक मास में आपको भजन करने पर विशेष फल मिलता है। संयम व नियम से जाप, तप, हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर करने वाला होता है। अगर आप कार्तिक मास में देवताओं का भजन करेंगे तो आपके सभी दुख जो हैं वो दूर होंगे। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल व कपास का दान करता है उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। कब? कार्तिक मास में रविवार के दिन। पहले तो आप करें सूर्य की पूजा और तेल और कपास का दान करें। जो अपने तन मन को जीवन पर्यंत शिव को अर्पित कर देता है उसे शिव जी मोक्ष प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण वे जगत के जन्म निरूपण है और इसी नाते से जन्म की निर्वृत्ति के लिए शिव जी की पूजा का अलग विधान है। सारा जगत बिंदु नाथ स्वरूप नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति और नाद शिव। बिंदु कौन है? शक्ति है। और नाद कौन है? शिव है। इसलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। आधार में ही आद्य का समावेश अथवा लय होता है। यही सरलीकरण है। इस सरलीकरण की स्थिति में ही सृष्टि काल में जगत का आरंभ हुआ है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है। अंत इस जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव। इनका संयुक्त रूप शिवलिंग कहलाता है। अंतः जन्म के संकट से छुटकारा, अगर आपको जन्म मृत्यु के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा आपको करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव आपके पिता है। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो आपको अगर आप शिव शक्ति की पूजा करते हैं तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। देवी उमा जगत की माता है और शिव जो है वो जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है या करेगा उस पुत्र पर इनकी कृपा नित्य बढ़ती रहती है।
यानी कि सिंपल सी बात में इस पुराण में आपको समझाया गया है, अगर आप शिव शक्ति की नृत्य यानी कि शिव शक्ति की आप लगातार पूजा करेंगे तो वो अपने पुत्र पर कृपा जरूर बरसाएंगे। वह पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अंतः शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करने से आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। गर्भ भर्ग शिव पुष्प रूप है और भर्गा शक्ति प्रकृति कहलाती है, यानी कि पुरुष जो है वह शिव है और भर्गा शक्ति जो कि स्त्री है। पुरुष आदि गर्भ है क्योंकि वही जगत का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का जो शरीर है वो जन्म काल में 6 विकारों से युक्त होता है, इसलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। जन्म लेने से प्राणी विभिन्न पासों अर्थात बंधनों में पड़ता है। वह जीव है, जीव पशुता के पास से जितना छूटने का प्रयास करता है उसमें उतना ही उलझता रहता है। तो ये बात भी बताई गई है कि जीव का जन्म जब होगा तो वो बंधनों में पड़ा रहेगा। जीव पशुता के जितना छूटने का प्रयास करेगा उतना उसमें उलझता रहेगा। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं कर पाते। शिव के अनुग्रह से ही महामाया का प्रसाद जीव को प्राप्त होता है और मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जन्म मृत्यु के बंधन से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप अपने श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग जो कि आपके माता पिता की तरह आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। गाय के दूध दही और घी शहद शक्कर के साथ मिलाकर आपको एक तो पंचामृत तैयार करें। पंचामृत तैयार करके तथा इन्हें अलग अलग भी रखें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक व स्नान करें। दूध व अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार करें। प्रणव मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को अर्पित कर दे। प्रणव को ध्वनि लिंग समय भूलिंग और नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग तथा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदुलिंग के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकार स्वरूप माना जाता है, इसलिए वह मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने में उकार लिंग का उपयोग होता है। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य विग्रह आकार का प्रतीक होने से अकार लिंग के 6 भेद हैं। इनकी नित्य पूजा करने से साधक जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। 17वां अध्याय प्रणव का महात्म्य व शिवलोक के वैभव का वर्णन। अब इस 17वें अध्याय में सूत जी के द्वारा प्रणव का महात्म्य बताया जाएगा और शिवलोक जो है उसके वैभव का वर्णन यहां पर करेंगे। ऋषि मुनि बोले, महामुनि आप हमें प्रणव मंत्र जो है उसका महात्म्य तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाइए। तो सबसे पहले सूत जी के द्वारा प्रणव का महात्म्य बताया गया है जिसको आप ध्यान से सुने। सूत जी ने कहा, महर्षियों आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूँ। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम है प्रणव। इससे पार करने के लिए नौका स्वरूप है प्रणव। अगर जो समुद्र महासागर है उसको पार करने के लिए नौका स्वरूप है, इसलिए
ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। प्र प्रपंच, न नहीं है, व तुम्हारे लिए, इसलिए ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रणव वह शक्ति है जिससे जीव के लिए किसी प्रकार का भी प्रपंच अथवा धोखा नहीं है। यह प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है, यानी कि प्रणव मंत्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले उपासकों को यह नूतन ज्ञान देता है। माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं। प्रणव साधक को नया अर्थात शिव स्वरूप देता है, इसलिए विद्वान इसे प्रणव नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए इसको प्रणव कहा गया है। प्रणव के दो भेद हैं, एक तो स्थूल और सूक्ष्म। ओम जो है वो सूक्ष्म प्रणव व नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। तो प्रणव मंत्र कौन सा हुआ? ओम नमः शिवाय। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, क्योंकि यह सभी साधनों का सार है। देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थभूत परमात्व का अनुसंधान करता है। जीवन नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त करता है। अगर आपके अंतिम समय में आप जो है प्रणव मंत्र का जाप करते हैं तो आप शिव को प्राप्त करेंगे। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। 36 करोड़ बार आपको प्रणव मंत्र अगर आप जाप करेंगे तो आप योगी हो जाते हैं। यह अकार उकार मकार बिंदु और नाद सहित अर्थात अ ओम म तीन दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। अ शिव है, ओम शक्ति और मकार इनकी एकता है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश पांच भूत तथा शब्द स्पर्श आदि पांच विषय कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो क्रमों का अनुष्ठान करते हैं वे पर्वती मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वत मार्गी हैं। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले उकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष जो है वो शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, फिर इतने ही जाप से तेज की, और फिर 9 करोड़ जाप से वायु की, और फिर 9 करोड़ जाप से गंध की सिद्धि होती है। ब्राह्मण सहस्त्र ओंकार मंत्रों का रोजाना जाप करने से प्रबुद्ध व शुद्ध योगी हो जाता है। फिर जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ का जाप करता है तथा शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। यानी कि इस शिव पुराण में आपको सिंपल एक मंत्र बताया गया है, ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करेंगे तो आपको शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। क्रिया जो जिसको प्रणव मंत्र कहा गया है, क्रिया तप और जाप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर
जो परिमित भोजन करता है एवं ब्रह्मा इंद्रियों को जीतकर वश में करता है वो तपोयोगी कहलाता है। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य एवं शांत हृदय से निरंतर जो जाप करता है वह जप योगी कहलाता है। जो मनुष्य 16 उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। अब जो है सुत जी जप योग का वर्णन यहां पर करेंगे। ऋषियों मैं तुमसे जप योग का वर्णन करता हूं। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध करना पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओम ओंकार का जो जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक साधक रोज एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे, नियम से 1000 पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तभी उसका जप योग जो है वो शुद्ध होगा। कैसे जाप करना है उसकी विधि सूत जी द्वारा बताई जा रही है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 500,000 जाप करें। जप काल में शिव जी के कल्याणमय स्वरूप का ध्यान करें। ऐसा ध्यान करें कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है, उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है, उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान है, उनके शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्य मंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध क्रम करें तथा अशुद्ध क्रमों से बचे रहें। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12,000 जाप करें। तत्पश्चात ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सुधो जात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण करें। शिव का पूजन विधि पूर्वक कर होम प्रारंभ करें। विधि विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर जो है अग्नि को प्रज्वलित करें। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुति सवय दें या 108 आहुति ब्राह्मण से दिलाएं। दक्षिणा के रूप में 1 गाय तथा बैल देना चाहिए। प्रतीक स्वरूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोए तथा उस जल से मस्तक को सींचे। ऐसा करने से अनगिनत तीर्थों में तत्काल स्नान का फल आपको प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों का भरपूर भोजन कराकर देवेश्वर शिव की प्रार्थना करें। फिर 500,000 जाप करने से समस्त पापों का नाश होता है। पूर्ण 500,000 जाप करने पर भूतल में सत्यलोक तथा 14 भुवनों का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। क्रम माया और ज्ञान माया का तात्पर्य। मां का अर्थ है लक्ष्मी, उससे क्रम योग प्राप्त होता है, इसलिए यह माया अथवा क्रम माया कहलाती है। इसी के ज्ञान भोग से प्राप्ति होती है, इसी से आपको क्या होगा ज्ञान भोग की प्राप्ति होगी, इसलिए इसे माया या ज्ञान माया भी कहते हैं। मां का अर्थ क्या है लक्ष्मी। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है
और ऊपर नित्य भोग है। नस्वर भोग में जीव सकाम क्रमों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों में व लोकों में चक्कर काटता है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोक में जाते हैं, नीचे कर्म लोक है। यहाँ सांसारिक जीव रहते हैं, ऊपर ज्ञान लोग हैं जिसमें हमेशा आपके मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। तो ये क्रम माया के बारे में बताया। शिव लोक के वैभव का वर्णन अब सूत जी करते हैं। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, काल चक्रों को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उससे सत्य, सोच, अहिंसा और दया चार पाद हैं। वह साक्षात शिव लोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सिंह हैं, सम कान हैं, वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। भक्ति उसके नेत्र व विश्वास और बुद्धि मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ है जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध से परे हैं। उनसे ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं तथा इससे ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति है। फिर कारणे शिव के 56 लोक विद्वान हैं, इससे ऊपर 5 अवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहां 5 मंडलों, 5 ब्रह्मकालों और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग है, जिसे शिवालय कहा जाता है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तीरोभाव और अनुग्रह आदि कार्यों में कुशल हैं। नित्य क्रमों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा का आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया, तप, जान, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर करते हैं। शिव भक्ति का सत्कार। साधक 500,000 जाप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य से शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त का शरीर शिव रूपी ही है। जो शिव के भक्त हैं और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं, वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं उतना ही शिव सामीप्य बढ़ता है। शिव भक्त स्त्री का रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वरूप शिव स्वरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन, शक्ति, बैर तथा लिंग का चित्र बनाकर तथा मिट्टी से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा कर इसका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर पूजन करें। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उपासना के उपरांत शिव भक्त
की सेवा से विद्वानों पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपंतिक शिव भक्तों को बुलाकर आदर पूर्वक जो है भोजन कराए। 5, 10 या 100 शिव भक्तों को बुलाकर आप आदर पूर्वक उनका भोजन कराएं। शिव भावना रखते हुए निष्कपट पूजा करने से भूतल पर फिर जन्म नहीं होता है। तो इस 70वें अध्याय में आपको इन सब चीज़ों के बारे में शिव पुराण में सूत जी के द्वारा बताया गया है। पूजा का महत्व, शिव लोक का वैभव का महत्व इसमें वर्णन किया गया है, प्रणव का महात्म्य आपको बताया गया है। 18वां अध्याय हम कल अध्ययन करेंगे, आप मेरे साथ बने रहें। आज हमारा 5वां दिन था। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।